दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 के महामुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2022 के सबसे बड़े महामुकाबले के बारे में, जहां पर 23 अक्टूबर को आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से यह महामुकाबला हमें मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बीसीसीआई की तरफ से 3-4 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, और इस वीडियो में हम उन सभी अपडेट्स को 1 by 1 पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या वहां पर फिलहाल वेदर रिपोर्ट है, अगर बारिश आती है तो कितने ओवर का मैच होता है, क्या होगी भारत की प्लेइंग 11। ये सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में जो दोनों टीमों के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस महामुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें ऑलरेडी मेलबर्न जा चुकी है। मेलबर्न में जाने के बाद दोनों टीमों का एक एक प्रैक्टिस सेशन भी हुआ था, दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नजर आए थे। उन्होंने ऐसा बोला कि हमने भाई काफी टाइम पहले इस महामुकाबले के लिए अपनी फाइनल प्लेइंग 11 को तैयार कर लिया था। शॉकिंग प्लेइंग 11 यहां पर भारत की रहने वाली है, और भाई यहां पर प्लेइंग 11 के रिगार्डिंग और भी काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स उन्होंने दिए। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई हम 4 प्रॉपर तेज गेंदबाजों के साथ उतरेंगे। उसके अलावा भाई सस्पेंस यहां पर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर था, उसको भी वहां पर उन्होंने क्लियर किया। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि जिस तरह से हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था, बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं तैयारियों के साथ इस महामुकाबले में हम पार्टिसिपेट करने के लिए उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले ही वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से मैच के रिगार्डिंग काफी सारी बुरी बुरी खबरें निकल कर आई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को लेकर, जहां पर भाई सबसे बड़ा सवाल कि आखिर करंट वेदर वहां का कैसा है। तो आपको पता है कि भाई मौसम विभाग ने यह क्लियर किया था कि 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर तीनों दिन हमें यहां पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बारिश के बादल मंडराते हुए नजर आने वाले हैं। और जो करंट रिपोर्ट ग्राउंड की वो कुछ ऐसी कि भाई अभी हाल ही में वहां पर बहुत ही तगड़ी बारिश हुई है, जिसके चलते ग्राउंड में फिलहाल काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। और भाई जो मौसम है वो अभी भी यहां पर पूरी तरह से बादलों से भरा हुआ, यानी भाई अभी और भी यहां पर बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं, जिसके चलते सबसे जो बुरी खबर है वो यही कि मौसम यहां पर बिल्कुल भी इस महामुकाबले के फेवर में नहीं आ रहा है, जिसके चलते भाई यहां पर जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर यहां पर बारिश आ जाती है, बारिश इस महामुकाबले में इंटरप्शन डालती है, तो भाई ऐसे में कितने ओवर का होगा मैच, क्या रूल यहां पर आईसीसी का लगेगा, अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो भाई किस टीम को यहां पर ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा यदि यहां पर इस महामुकाबले में बारिश आ जाती है तो भाई यहां पर सबसे पहले तो भाई बारिश के रुकने का इंतजार किया जाएगा, मौसम को देखते हुए ग्राउंड को साफ करने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है कि भाई जिस तरह से यहां पर टाइम निकलता जाता है, ओवर्स की कटौती होती चली जाती है, बिल्कुल वही यहां पर अभी भी अप्लाई होने वाला है। कोशिश यही रहेगी कि भाई यहां पर हमें डेफिनेटली कुछ ओवर्स का मैच जरूर देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पूरा संसार बेसब्री से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले थ्रिलर महामुकाबले का इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों, अगर यह मैच बारिश में धुल जाता है तो ऐसे में दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा, और इसका थोड़ा सा ज्यादा फायदा पाकिस्तान की टीम को होने वाला है, क्योंकि भी आपको पता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम और भी मैचेस खेलेगी, टीम इंडिया भी और भी मैचेस खेलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मैच टाई हो जाता है, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिलता है, तो भाई दोनों ही टीमों को यहां पर बराबर बेनिफिट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहां पर उम्मीद करते हैं कि भाई बारिश यहां पर दखलंदाजी ना करें, हमें एक अच्छे तरीके से यह महामुकाबला देखने को मिले। हालांकि सोर्सेज ऐसा क्लेम करेगी भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से 4:15 बजे के बीच यहां पर बारिश के जो बादल वो थोड़े से कम नजर आने वाले हैं, बारिश के चांसेस वहां पर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मतलब उस टाइम पर कुछ ओवर्स का मैच देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 के बारे में। तो खुद कप्तान रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। चलिए बात करते हैं पूरी प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा के साथ KL कमाल, लाजवाब राहुल। नंबर 3 पर हमें विराट कोहली देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर आपके सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं। नंबर 5 पर हमें यहां पर बड़ा सस्पेंस जा रहा था, लेकिन नंबर 5 हार्दिक पांड्या के पक्ष में है। नंबर 6 पर हमें यहां पर
आपके ऋषभ पंत की जगह पर दिनेश कार्तिक देखने को मिलेंगे। नंबर 7 पर अक्षर पटेल होने वाले हैं। नंबर 8 पर आपके यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार होंगे। नंबर 9 पर आपके मोहम्मद शमी होंगे। नंबर 10 पर आपके अर्शदीप सिंह होने वाले और नंबर 11 पर हमें युजवेंद्र चहल देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे होने वाले थ्रिलर महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 काफी खतरनाक ये प्लेइंग 11 नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।